जैसे ही सर्दी शुरू होती है टीवी पर एड्स नज़र आने लगते हैं कि अब तो स्माइल भी खिंची खिंची होने लगी है। मुस्कुराते हुए लिप्स अगर आपके फटे हुए हैं तो वो दर्द ही करते हैं, सुकून नहीं पहुंचाते हैं। लिप्स क्यों ज़्यादा ड्राई होते हैं? होंठों की ड्राइनेस आखिर इतनी अहम क्यों है? लिप्स की ड्राइनेस इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि लिप्स में अपने ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं। हमारी स्किन में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, तो अगर आप मुंह धोएंगे तो उस वक्त तो खिंचा हुआ लगेगा, पर 10 मिनट में वो ठीक लगने लगेगा। लेकिन लिप्स अगर ड्राई होने लगते हैं तो उन्हें फिर हमें बाहर से जो मॉइस्चर है वो सप्लाई करना पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी सारी मेडिसिंस इन एडिशन टू जो वेदर है वो तो अलग चीज़ है, पर आजकल बहुत सारे लोग डायबिटीज़ की मेडिसिंस खा रहे हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म के शिकार हैं, उसके अलावा हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन बीमारी है। इन सब की दवाओं में भी कहीं ना कहीं लिप्स की ड्राइनेस होने का एक साइड इफ़ेक्ट रहता है। कैसे बचा जाए? सबसे पहली बात तो ये है कि ड्राई लिप्स को ठीक करना ज़्यादा मुश्किल है, बचाना ज़्यादा आसान है। हमेशा अपने लिप्स को एक मॉइस्चराइज़र लगा के रखें। जो मॉइस्चराइज़र आप स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं लिप्स को उससे ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपकी स्किन का काम लोशन से चल रहा है तो आपको लिप्स पे क्रीम लगानी है। अगर आप चेहरे पे क्रीम लगा रहे हैं तो लिप्स के ऊपर आप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। जो चैपस्टिक्स होती हैं वो फ़िलहाल तो रिलीफ देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वो ड्राइनेस को ज़्यादा बढ़ाती हैं क्योंकि वो एक कवर सा बना लेती है। तो चैपस्टिक इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसको सिर्फ उसी को इस्तेमाल मत कीजिए। बच्चों को जब मैं बोलती हूँ तो कई बार वो मुंह बनाते हैं, पर देसी घी या क्लैरिफाइड बटर अगर लगाया जाए तो वो काफ़ी अच्छी तरह लिप्स की ड्राइनेस को दूर करता है। दूसरी चीज़, अगर लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो बार बार उन पर ज़बान मत फेरिए। अगर बहुत परेशानी हो रही है तो पानी लेके रुई के फाई से या हाथ से ही आप उन्हें वेट कर सकते हैं। अगर आप समय पर ध्यान दे रहे हैं तो लिप ड्राइनेस आपको परेशान नहीं करेगी।